हेलो फ्रेंड्स, एज़ यूजुअल आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें। सो मैं टेस्ट पेपर बनाई थी और टेस्ट पेपर में 4-5 लोगों ने बहुत अच्छा योगदान दिए हैं, जैसे कि राजेश परमार थे, कोमल थी, प्रीति थी और भी एक कोई था उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो मिकेल एंजिलो, राफाइल, लियोनार्डो दा विंचिस के ऊपर टेस्ट पेपर था। अगर आप लोग भी वो टेस्ट पेपर देना चाहते हैं तो दीजिए और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज हम आप लोग के साथ फिर से ही वेस्टर्न आर्ट लेके आए हैं, क्योंकि इंडियन आर्ट में मैं बहुत सारे वीडियोज बना चुकी हूँ, जो नहीं देखे हैं देख लें। और NTA नेट में वेस्टर्न आर्ट का बहुत ही बड़ा रोल होता है, इसलिए वेस्टर्न आर्ट को भी उतना ही फोकस करेंगे जितना हम इंडियन आर्ट को फोकस करते हैं। इंडियन आर्ट को आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बट वेस्टर्न आर्ट थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैं वेस्टर्न आर्ट आप लोग को करवाऊंगी। तो आज हम लोरेंजो घिबर्ती की बात करेंगे, जो कि अर्ली रेनेसा से रिलेटेड है। तो पहले हम हाई रेनेसा की बात किए थे, अभी हम अर्ली रेनेसा की बात कर रहे हैं। और अर्ली रेनेसा के आर्टिस्ट हैं लोरेंजो घिबर्ती और ये एक फ्लोरेंटाइन आर्टिस्ट हैं। क्वेश्चन नेट में इस तरह से आ सकते हैं कि लोरेंजो घिबर्ती कहाँ के आर्टिस्ट है, तो फ्लोरेंस के, क्योंकि उन्होंने फ्लोरेंस में रह के काम किए, इसलिए उसे हम फ्लोरेंटाइन आर्टिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है उनका जन्म कहाँ हुआ, तो उनका जन्म 1378 में पेलागो इटली में हुआ। तो याद रखिएगा कि पेलागो इटली में हुआ और बॉर्न 1378 में हुआ, और ये स्कल्पचर के लिए जाने जाते हैं। घिबर्ती जो हैं स्कल्पचर के लिए जाने जाते हैं, हालांकि उन्होंने आर्किटेक्चर में भी काम किए हैं, बट ही इज नोन फॉर स्कल्पचर। इनकी मृत्यु 1 दिसंबर 1455 को फ्लोरेंस में हो गया, यानी कि फ्लोरेंस कहाँ है, इटली में है, तो फ्लोरेंस में इनका डेथ हुआ है। अगर आपसे बॉर्न पूछे तो पेलागो इटली होगा और डेथ पूछे तो फ्लोरेंस इटली होगा। और कहाँ के आर्टिस्ट हैं, तो फ्लोरेंटाइन आर्टिस्ट हैं। मैं तो वीडियो हर दिन ला रही थी, बस मेरी फ़ोन की बैटरी पूरी डेड हो चुकी है, पूरी ख़राब हो चुकी है समझ लीजिए, और ये कोविड-19 के कारण अभी मैं परचेस भी नहीं कर सकती, तो वीडियो हर दिन अपलोड नहीं कर पाऊँगी। कुछ इंपॉर्टेंट काम हम देखेंगे घिबर्ती के, क्योंकि मेरी बैटरी 10 मिनट भी नहीं रह पा रही है, इसलिए मुझे वीडियो भी 10 मिनट से ज़्यादा मैं बना नहीं पाऊँगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है घिबर्ती का, गेट्स ऑफ पैराडाइज के नाम से। और इनके बहुत सारे सीरीज है, सीरीज इनका कहने का मतलब कि नॉर्थ गेट है, साउथ गेट है, इस तरह से। और गेट के डिटेल्स सारे इनके फिगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, हमेशा ही नेट में इससे क्वेश्चन यही आता है कि लोरेंजो घिबर्ती के काम का नाम पूछते हैं और उसमें यही काम ही मेंशन होता है, दूसरा कोई काम नहीं होता है, गेट्स ऑफ पैराडाइज। आपको नेट में 2-3 क्वेश्चन आएंगे घिबर्ती से, एक तो क्रोनोलॉजी में कि घिबर्ती ऐसे 3-4 आर्टिस्ट दे देंगे और बोलेंगे इनको क्रोनोलॉजी में सजाने, दूसरा ये पूछा जाएगा कि घिबर्ती किसके लिए फेमस है, तो स्कल्पचर के लिए फेमस है, घिबर्ती का जन्म या मृत्यु पूछ सकते हैं, और घिबर्ती के इंपॉर्टेंट काम। तो इंपॉर्टेंट काम इनके एक ही है, गेट्स ऑफ पैराडाइज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ही उन्होंने बहुत सारे सीरीज को बनाए हैं। तो ये डिटेल है घिबर्ती का, 1425 से 1452 में बन के तैयार हुआ है, ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द बैप्टिस्ट्री ऑफ सैन जोवानी फ्लोरेंस। तो ये ईस्ट साइड में के डोर पे आप ये सेल पोर्ट्रेट देख पाएंगे, जो कि घिबर्ती का ही है। और ये कहाँ के दरवाजे पे बना हुआ है, तो द बैप्टिस्ट्री ऑफ सैन जोवानी, जो कि फ्लोरेंस में है, उस दरवाजे पे ये बना हुआ है। ये भी गेट्स ऑफ पैराडाइज का ही डिटेल पार्ट है, इसे हम इसाक, जाकोब एंड इसाऊ के नाम से जानते हैं। ये भी कंफ्यूज मत होइएगा, गेट्स ऑफ पैराडाइज की ही पार्ट है, बट इसको हम इसाक, जैकोब एंड इसाऊ को पोर्ट्रेट किया है, जो कि गिल्डेड ब्रॉन्ज रिलीफ पैनल फ्रॉम द ईस्ट डोर से, ठीक है। तो पहली बात ये आप लोग ध्यान रखें कि गेट्स ऑफ पैराडाइज जो डोर है उसमें जितने भी काम किए हैं वो सारा ही रिलीफ है, कोई भी हाई रिलीफ नहीं, यानी कि ये 2D है, ठीक है। और ये ईस्ट डोर पे है, और ये भी बैप्टिस्ट्री ऑफ सैन जोवानी इन फ्लोरेंस में, क्योंकि एक दरवाज़ा है और एक दरवाज़ा में जो छोटे 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 जो डिजाइन होते हैं उसी का ये जूम पार्ट है, इसलिए डेट वगैरह सब सेम होगा। ये भी लोरेंजो घिबर्ती का ही गेट्स ऑफ पैराडाइज के डोर का ही एक पार्ट है। अच्छे से पेंटिंग को देखिए, सॉरी नॉट पेंटिंग, स्कल्पचर को देखिए और रीड कीजिए। और ये लो रिलीफ में है, इसलिए हम इसको 2D के अंतर्गत रखेंगे। तो अगर पूछ दिया जाए कि गेट्स ऑफ पैराडाइज जो है कौन से मीडियम, अगर पूछेगा तो ब्रॉन्ज गिल्ट होगा, और कितने आयाम में बना हुआ है, तो 2D आयाम में बना हुआ है।
यानी कि लो रिलीफ होगा। अगर हाई रिलीफ और लो रिलीफ अगर आपके ऑप्शन में हो तो आप लो रिलीफ के तरफ टिक मारिएगा। ये भी उसी का पार्ट है लोरेंजो गिबर्टी का, रिस्टोरेक्शन बाय लोरेंजो गिबर्टी। इसका नाम है दी रिस्टोरेक्शन। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ थम्स अप के करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और घंटी को ज़रूर दबा लें। देखिए कितना अच्छा सेफ है, ऐसा लग रहा है कि नाव को ले जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप लोग प्लीज़ इसे जाके सर्च करें ताकि फुल डोर जो मैं एकदम पहले प्रीवियस में इमेज दिखाई थी वही फुल डोर है और उसी का ये सब पार्ट बाय पार्ट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। लोरेंजो गिबर्टी के तो ऐसे और भी काम है बट सबसे इम्पॉर्टेंट काम उनका यही है गेट्स ऑफ पैराडाइज, और दूसरा काम कुछ पूछ ही नहीं सकते हैं। और जो मैं इसी का जो डिटेल है जैसे कि इसाक एंड जैकोब था वो पूछ सकते हैं। दूसरा काम है संत जॉन दी बाप्टिस्ट, और आप लोग इसका ईयर देख ही रहे, 1412 से 1416 में बन के तैयार हुआ है। टाइप है ब्रोंज, डायमेंशन है 255 सेंटीमीटर और 100 इंच है। लोकेशन है ओरसान माइकल फ्लोरेंस, तो ये भी फ्लोरेंस में ही लोकेटेड है संत जॉन दी बाप्टिस्ट। ये देखिए जूम पार्ट देख लीजिए। दोस्तों प्लीज़ आप लोग से मैं अनुग्रह करती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखें, बीच में देख के ना छोड़े। जिन्हें बीच में देख के छोड़ना है वो वीडियो को प्लीज़ ओपन ना करें। देखिए कुछ और इमेजेस आप लोग के साथ लाई हूँ। तो मीडियम याद रखिएगा, गेट्स ऑफ पैराडाइज का डेट याद रखिएगा, कहाँ है सिचुएटेड ये याद रखिएगा, और कौन से मीडियम में बना है ये सब चीज़ आप लोग को याद रखना। ये दूसरा काम है, ये गेट्स ऑफ पैराडाइज का पार्ट नहीं है। ये पेंटिंग है, ये भी उन्हीं का काम है। द रिप्रेजेंटेशन इन द टेम्पल इसका नाम है, पेंटिंग बाय लोरेंजो गिबर्टी। इन्होंने तो आर्किटेक्चर, डिजाइन, पेंटिंग, स्कल्पचर सभी किए हैं बट जाने जाते हैं किसके लिए, स्कल्पचर के लिए। इसका नाम है पिलाटे वाशिंग हिज हैंड्स, ये भी बास रिलीफ है यानी कि लो रिलीफ है, 2D है। पिलाटे वाशिंग हिज हैंड्स इज ए थर्ड प्रूफ दैट गिबर्टी इज ए ग्रेट रेनेसा मैन, यानी कि पिलाटे वाशिंग हिज हैंड से प्रूफ होता है कि गिबर्टी भी रेनेसा के एक बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं। दिस स्कल्पिंग वॉज मेड ड्यूरिंग 1403 से 1424, इतने पीरियड में ये बन के तैयार हुआ। इट डिपिक्ट्स ए मैन नेम्ड पिलाटे वाशिंग जीसस हैंड्स, इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि जीसस जो हैं, पिलाटे जो हैं जीसस के हैंड को वॉश कर रहे हैं। ये है टेबरनेकल ऑफ द लिनोली, ये भी लोरेंजो गिबर्टी एंड फ्रा एंजेलिको के द्वारा पेंट किया गया है। तो देखिए अब इसमें दो लोगों का कंट्रीब्यूशन है, तो दो लोगों का कंट्रीब्यूशन इसलिए है क्योंकि फ्रा एंजेलिको ने पेंटिंग किया, जो भी पेंटेड पार्ट है वो फ्रा एंजेलिको के द्वारा है, और जो भी आप डिजाइन देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऐसे त्रिभुज टाइप का, ट्रायंगल टाइप का, वो सब डिजाइन जो है गिबर्टी के द्वारा है। अभी जूम पिक्चर आप लोग के सामने आ जाएगा। ये भी 1432 से 1433 में बन के तैयार हुआ और यह नेशनल म्यूजियम ऑफ सैन समथिंग लिखा हुआ था, वो आगे हो गया, उसे आप लोग देख ले, चेक कर ले वीडियो को पॉज करके, वहाँ पे संग्रहित है। तो देखिए जो भी पेंटेड पार्ट है वो फ्रा एंजेलिको के द्वारा है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, और जो भी डिजाइन पार्ट है, जो भी आर्किटेक्चर वगैरह आप देख पा रहे हैं वो किनके द्वारा है, वो गिबर्टी के द्वारा है। देखिए ऊपर जो भी ट्रायंगल वाला पार्ट आप देख रहे हैं, जो भी मंदिर टाइप का देख रहे हैं, जो कार्विंग है, वो डिजाइन जो है किनके द्वारा है, गिबर्टी के द्वारा, और जो पेंटेड पार्ट है वो आपका फ्रा एंजेलिको के द्वारा है। तो ये पेंटिंग दो लोगों को मिला के बना है, और ये कहाँ है, तो ये टस्कनी में है। और ये नेशनल म्यूजियम ऑफ सैन मार्को फ्लोरेंस सेंट्रल इटली में है। डेट वगैरह सब यहाँ पे मेंशन है। जेनर है आपका क्रिश्चियन आर्ट, डायमेंशन है 260 सेंटीमीटर इंटू 330 सेंटीमीटर, पीरियड है अर्ली रेनेसा और क्रिएटेड है 1433 में। आर्टिस्ट का नाम देखिए मेंशन है फ्रा एंजेलिको एंड लोरेंजो गिबर्टी।
और जो ट्रायंगल वाला देख रहे हैं वो मार्बल से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। दी टेबरनेकल ऑफ दी लिनोली, ये जी मेड इन मार्बल। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद गो थ्रू फाइन आर्ट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।